आज मैं शेयर कर रही हूँ आपसे बहुत ही टेस्टी चटपटी सिंपल सी भिंडी की भुजिया। भिंडी का सीजन चल रहा है तो इसे आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है भिंडी। भिंडी को अच्छी तरह से धो के पानी को आप सुखा लीजिए, तब आप उसे ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे लिया एक बड़े साइज का प्याज, जिसको बारीक चॉप कर लिया है। 3 हरी मिर्च, इसको मैंने रफली चॉप किया है, और कुछ लहसुन की कलियों को वो बारीक चॉप कर ले लिया है। अब आपको गरम कर लेना है कढ़ाई को। कढ़ाई जब अच्छे से गरम हो जाए तो इसमें आप डाल दीजिए सरसों का तेल। सरसों के तेल में भिंडी की सब्जी बहुत बढ़िया बनती है। तो यहाँ पे आप इसे अच्छी तरह से गरम कर लीजिए। जब तेल अच्छे से गरम हो जाए तब आपको डालना है इसमें जीरा 1 टीस्पून के लगभग। थोड़ा सा आपको डाल देना है यहाँ पे मेथी का दाना। इसको आप लो फ्लेम पे पकने दीजिए जब तक कि जो जीरा है वो अच्छे से क्रैकल ना हो जाए। तो यहाँ पे जो जीरे का कलर चेंज हो गया है तो मैंने डाल दिया लहसुन की कलियों को और यहाँ पे हरी मिर्च को। दोनों को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि जो लहसुन है ना उसका कलर हल्का सा ब्राउन कलर ना हो जाए। गैस की फ्लेम को लो करके या पकाइए। तो कलर को आप देख सकते हैं, लहसुन का जो कलर है बिल्कुल चेंज हो गया है। अब आपको डाल देना है यहाँ पे बारीक किए हुए प्याज को। यहाँ पे ऐसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। यहाँ पे भी आपको ना प्याज को अच्छी तरह से पकाना है। बहुत ज़्यादा हम डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, लेकिन जो प्याज का कच्चापन होता है उसको आपको यहाँ पे ख़त्म कर लेना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दी हूँ इसे पकने के लिए, फिर आप इसे ऐसे चला लीजिए। तो यहाँ पे जो प्याज है वो भी अच्छे से भून गया है। बहुत ज़्यादा डार्क कर देंगे ना तो जब भिंडी के साथ पकाएंगे तो जल जाएगी, तो इसलिए आप हल्का ब्राउन करें। इसके साथ में यहाँ पे डाल रही हूँ धनिया का पाउडर 1 चम्मच, 1/2 चम्मच हल्दी का पाउडर, 1/4 टीस्पून सब्जी का मसाला या 1/2 टीस्पून आप डाल सकते हैं। रेड चिली पाउडर में डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून के लगभग। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ना मिर्च की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हमने हरी मिर्च की भी यहाँ पे यूज किया है। भिंडी जब चटपटी बनती है ना तभी इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो मसाले को आपको यहाँ पे अच्छे तरह से भून लेना है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे डालना है कटे हुए भिंडी को। मसाला को आप अच्छे तरह से भून लीजिए, तब आप इसमें भिंडी को ऐड करिए। यहाँ पे इसे आप मिक्स कर लीजिए। गैस की फ्लेम को यहाँ पे आप लो मीडियम रखें। तो यहाँ पे देखिए मसाले बहुत अच्छे से भिंडी में लग गए हैं। यहाँ पे है ना आपको भिंडी को बहुत ज़्यादा चलाना नहीं होता है। तो अब हम इसे 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे पकने के लिए। और यहाँ पे देखिए भिंडी हमारी बिल्कुल भी स्टिकी नहीं हो रही है और कलर भी इसका बहुत प्यारा आ गया है। 2 मिनट के लिए इसे मैंने छोड़ के पका लिया है। तो अब इसे हम फिर से 2 मिनट के बाद इसे ऐसे मिक्स कर लेंगे। तो अब आपको इसे ढक के पकाना है। तो आप इसे किसी भी लीड से कवर कर दीजिए और इसे 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दीजिए। बीच बीच में ना आप भिंडी को चलाते रहिए, नहीं तो भिंडी जल भी सकती है। तो यहाँ पे मैंने 2 मिनट के बाद फिर से इसे मैं मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे देखिए जो भिंडी है आधी पकी हुई सी लग रही है। भिंडी बहुत ज़्यादा जल्दी पक जाती है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। तो नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड कर दीजिए और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। भिंडी आपको बिल्कुल भी स्टिकी सी नहीं बनेगी जब आप इस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे ढकेंगे नहीं, बिना ढके हुए इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक ये भिंडी अच्छे से भून ना जाए। तो यहाँ पे मैंने 8 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसे भून लिया है। भिंडी का कलर देखिए चेंज हो गया है। बहुत अच्छे से हमारी भिंडी भून गई है। बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। यहाँ पे ना आपको इससे ज़्यादा भिंडी को पकाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपकी भिंडी अच्छे से भून जाए तो आप इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा आमचूर का पाउडर। आमचूर से इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। अगर आपको नहीं पसंद तो स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने डाल दिया यहाँ पे कटा हुआ हरा धनिया। बस इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही सिंपल सी सब्जी है, बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी सी बनती है। तो इस तरह से भिंडी की रेसिपी को एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो मैंने यहाँ पे गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है और इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।